बहुत काम आने वाले कमाल के सीक्रेट कुकिंग किचन टिप्स। नंबर एक, अगर आपको दूध फटने की चिंता हो तो दूध में आधा चम्मच सोडा पाउडर या एक इलायची डालकर दूध को उबाल दें। ऐसा करने से दूध नहीं फटेगा। नंबर दो, दाल बनाते समय दाल में थोड़ा तेल डालने से दाल बढ़िया तरह से पकती है। नंबर तीन, बादाम के छिलके को उतारने के लिए बादाम को थोड़ी देर पानी में उबाल, छिलके आसानी से निकल जाएंगे। नंबर चार, आटा गूंदने के बाद आटे पर सरसों का तेल या घी लगाने पर आटा डेढ़ देर तक नरम रहेगा और पपड़ी भी नहीं जमेगी। नंबर पाँच, पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला दे। ऐसा करने से कीड़े मकोड़े नहीं आते और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। नंबर छः, दाल या सब्जी में हींग को तड़के में ना डालें, क्योंकि तड़के के साथ डालने पर हींग जल जाती है। हींग को ऊपर से डालें, इससे स्वाद और पाचन शक्ति दोनों बढ़ती है। नंबर सात, दही वड़ा बनाते समय पीसी दाल में थोड़ी सूजी मिलाने से बड़े नरम बनते हैं। नंबर आठ, आम का अचार बनाते समय आम की फाकों में हल्दी और नमक लगाकर रखने के बाद इसमें 3-4 चम्मच चीनी पीसकर डालने से अचार की रंगत खराब नहीं होती और अचार में मौजूद पानी भी सूख जाता है। नंबर नौ, आलू की टिकिया बनाते समय उसमें थोड़ा सा अरारोट मिला दें, टिकिया कुरकुरी बनेगी। नंबर दस, चावल को कीड़ों से बचाने के लिए चावल में लहसुन, सूखी लाल मिर्च और लौंग रखें। नंबर ग्यारह, अगर धनिया मुरझा गया है तो उसके जड़ को पानी में डुबो कर रखने से धनिया फिर से ताजा हो जाता है। नंबर बारह, अगर कांच की कोई वस्तु टूट गई है तो उसके बारीक टुकड़ों को उठाने के लिए गीली रुई का इस्तेमाल करें, इससे कांच चुभने का डर नहीं रहेगा। नंबर तेरह, पालक बनाते समय पालक में 1 चम्मच चीनी डालने से पालक का हरा रंग बरकरार रहता है। नंबर चौदह, चावल बनाते समय पानी में थोड़ा घी या तेल डालने से चावल आपस में नहीं चिपकते। नंबर पंद्रह, सब्जियों को काटने से पहले धोने पर उनकी पौष्टिकता बरकरार रहती है। नंबर सोलह, चने और मटर की दाल को पानी में 3-4 घंटे भिगोकर रखने से दाल जल्दी गलती है। नंबर सत्रह, प्याज को काटने से पहले थोड़ी देर पानी में रख दे, ऐसा करने से प्याज काटते समय आंखों में आंसू नहीं आएंगे। नंबर अठारह, पराठा बनाते समय आटे में उबला आलू कद्दूकस करके मिलाने से पराठे का टेस्ट बढ़ जाता है। नंबर उन्नीस, पूरी बनाते समय आटे में थोड़ा सा सूजी या चावल का आटा मिलाने से पूरियां खस्ता बनती है। नंबर बीस, पकौड़े बनाते समय बेसन में 1 चम्मच अरारोट और थोड़ा सा गर्म तेल मिलाने से पकौड़े टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं। नंबर 21, अगर आप मक्खन घी बना रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच नींबू का रस डाल दें, इससे उसमें जो स्मेल हो जाती है वह नहीं होगी। नंबर 22, करी पत्ता को धोकर साफ कर लीजिए, फिर थोड़ा तेल में फ्राई करके रख दे। किसी एयरटाइट डब्बे में जब तड़का देना हो बस डाल दे और स्टोर करे। नंबर 23, दाल और चावल को धोते वक्त उसका पानी एक बर्तन में रख ले और इस पानी को अपने घर में लगे करी पत्ते के पौधे में डालें। करी पत्ते की खुशबू बढ़ जाएगी, साथ ही आलू उबालते वक्त उसका पानी ना फेंके, इसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, इसका पानी आप पौधे में डाल सकते हैं। नंबर 24, वैसे तो चॉपिंग बोर्ड की नियमित सफाई जरूरी है, लेकिन बरसात में इसकी सफाई और अधिक जरूरी हो जाती है। ऐसे मौसम में चॉपिंग बोर्ड को नींबू और बेकिंग सोडा के साथ साफ करें ताकि उस पर मौजूद सभी कीटाणु निकल जाए। नंबर 25, हाथों से केरोसिन की महक दूर करने के लिए उन्हें दही लगाकर रगड़ने के बाद पानी से धोएं। नंबर 26, चींटियों से निजात पाने के लिए ट्यूबलाइट के पास 2-3 प्याज की गांठें लटका दें, इससे चींटियां दूर भागती है। नंबर 27, पापड़ और चिप्स, कचरी आदि भी बरसात के मौसम में नमी खा लेते हैं, इसके लिए उन्हें एक प्लास्टिक के पाउच में बांधकर फ्रिज में रख दें और तलने से कुछ ही मिनट पहले निकाल लें। नंबर 28, चावल को कीड़ों से बचाने में इसमें बोरिक एसिड डालकर रखने से ये कभी खराब नहीं होते
और कीड़े नहीं लगते हैं। नंबर 29, 1 किलो चावल में 1 चम्मच बोरिक एसिड डालना है। ये बस नाम का एसिड है दोस्तों, इसको चावल में डालने से कोई नुकसान नहीं होता और चावल हम धोकर भी पकाते हैं। नंबर 30, अगर किचन में कॉकरोच हो तो 2 चम्मच आटे में 2 चम्मच बोरिक एसिड और 1 चम्मच चीनी मिलाकर पानी से आटा गूंथ लीजिए और छोटी छोटी गोल बॉल्स बनाकर जहाँ भी कॉकरोच आते जाते हैं वहाँ रख दे, कॉकरोच आने बंद हो जाते हैं। नंबर 31, स्टील के बर्तनों से जंग हटाने में बेकिंग सोडा और सफेद सिरका काफी मददगार साबित होगा। ऊपर से तो स्टील के बर्तन हम रगड़ कर साफ कर लेते हैं, पर नीचे रोज खाना पका बनाने से तली पे काला जम जाने लगता है, तो इसे रोज रगड़ कर साफ करना जरूरी होता है। नंबर 32, नारियल, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन को एक साथ मिक्सर में पीस लें, फिर इसके स्वाद अनुसार नमक मिलाएं। अब कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल गर्म करके राई, करी पत्ता और 1 सूखी इलायची तड़का लगाएं। जब राई तड़कने लगे तो चटनी डालकर गैस बंद कर दें। ये चटनी इडली और डोसे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। नंबर 33, पराठों को टेस्टी बनाने के लिए आटे में उबला आलू कद्दूकस करके मिला लें। नंबर 34, पराठे अगर ऑयल या घी के जगह बटर में सेके जाएं तो अधिक टेस्टी बनते हैं। नंबर 35, ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप सत्तू मिला लें, इससे ग्रेवी तो गाढ़ी होगी साथ ही टेस्टी भी हो जाएगी। नंबर 36, पकौड़ी बनाते समय अगर उसके घोल में 1 चुटकी अरारोट और थोड़ा गर्म ऑयल मिला दिया जाए तो पकौड़े अधिक कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। नंबर 37, पकौड़े सर्व करते समय इन पर चाट मसाला छिड़के, इससे अधिक टेस्टी लगते हैं। नंबर 38, भिंडी को ज्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें। नंबर 39, रायते में हींग जीरा भूनकर डालने की बजाय अगर हींग जीरे का तड़का लगाए तो रायता ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। नंबर 40, राजमा या उड़द की दाल बनाने के लिए पानी में उबालते समय नमक नहीं डालें, जल्दी पकेगी, नमक दाल गलने के बाद ही डालें। नंबर 41, पूरियां खस्ता बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें 1 चम्मच सूजी या चावल का आटा मिला दें, इससे पूरियां खस्ता बनेगी। नंबर 42, पनीर अगर टाइट हो तो उसे चुटकी भर नमक मिले हुए गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए रख दें, पनीर नरम हो जाएगा। नंबर 43, चावल पकाते समय पानी के साथ नींबू का रस मिलाने से चावल अधिक खिले खिले सफेद हो टेस्टी बनते हैं। नंबर 44, प्याज को फ्राई करते समय हल्की सी चीनी डालने से प्याज जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। नंबर 45, 1 कप नारियल पानी में 2 ब्रेड और 1 चम्मच चीनी डालकर ब्लेंड कर ले, इसे इडली के घोल में मिलाने से खमीर अच्छा उठता है। नंबर 46, दही जमाने के लिए जामन नहीं है तो गुनगुने दूध में 1 हरी मिर्च डालकर रखने से भी दही तैयार हो जाता है। नंबर 47, तंदूरी चपाती को नरम बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें थोड़ा दही मिला दें और गुनगुने पानी से आटा लगाएं, तंदूरी चपाती सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। नंबर 48, दाल के चिल्ले बनाते समय घोल में 2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला दें, चिल्ले खस्ते और क्रिस्पी बनेंगे। नंबर 49, इडली डोसे का मिक्स खट्टा हो जाए तो इसे नारियल का दूध मिला दें, खट्टापन निकल जाएगा। नंबर 50, गर्मियों में पसीना अधिक निकलने की वजह से अक्सर डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है। आम पन्ना शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है, इसे पीने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। आम पन्ना की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे पीने से लू से
बचाव होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि और वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।